Hello everyone, welcome back to my channel, and today's video is about the packing. कैसे हम लोग पैक कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा टास्क है. सो आज हम सब मिलके बहुत सारे आपको क्लिप्स दिखने वाले हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी का एक अलग ही पार्ट है पैकिंग में मेरी. सो मेरे कपड़े जो हैं उनकी पैकिंग मेरी भाभी ने मेरे साथ मिलके की है. बाकी यूटेंसिल्स जो हम लोगों ने पोस्ट के थ्रू किए भेजे हैं उसकी पैकिंग ऋषभ ने की है, मेरे भाई ने की है. एंड आधी पैकिंग हम लोग कर चुके हैं, मतलब एक सूट केस हम लोग का पैक हो चुका है जिसको खोल के हमने वापस से रीपैक किया है क्योंकि कुछ सामान हमें इसमें से निकालना पड़ रहा था सिंस वेट का इशू है बहुत ज़्यादा. वेट हमारे पास बहुत कम है और सामान बहुत ज़्यादा है. सो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को निकालनी पड़ रही थी क्योंकि नहीं आ रहा था सामान. एंड सूटकेस का बैग इतना ज़्यादा वेट इतना ज़्यादा होता है कि मेरा एक सूटकेस ऑलमोस्ट फिल हो जाता है. अभी जैसे मेरा ये वाला जो केस है ये इधर की साइड इतनी पैक है, इसमें इतनी स्पेस अभी रिमेनिंग है, बट फिर भी जब हमने इसका वेट किया तो इसमें सिर्फ 3 kg सामान और आ सकता है. जगह होने के बाद भी हम लोग फिल नहीं कर सकते. भी आप देख रहे हो मैं अपना सामान और निकाल रही हूँ. डोंट लुक एट द मेस गाइस, बहुत गंदी हो रही है मेरी कबर्ड. एंड हम लोग जो रिमेनिंग पैकिंग है वो अब करने वाले हैं. ये कौन आया? सो ओ आदू की तबीयत खराब हो रही है गाइस, लेट हिम स्लीप. ये अलाउड है 30 kg, लाइक 15 kgs के टू सूटकेस. एंड अलोंग विद दैट एक कैरी ऑन जो मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ उसमें 7 kg वेट आएगा. और उसके अलावा मैं एक हैंड बैग रखूँगी अपना जिसमें मेरा जर्नी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सामान रहेगा मैं उसमें वो रखूँगी. बाकी इतना ही वेट है और लेट्स सी हम लोग कैसे पैक करते हैं. रीपैकिंग करनी पड़ रही है, जो एक सूटकेस पैक किया था उसको वापस कुछ सामान निकालना पड़ रहा है. ये मैंने कुछ ड्रेसेस निकाल के वापस रखे क्योंकि ये सामान मुझे नहीं लग रहा इतना ज़्यादा ज़रूरी. ज़रूरी तो है बट सिंस वेट का इशू है तो मुझे कुछ कुछ निकालना पड़ रहा है. मैं बाल है गाइस, मैंने स्ट्रेटनिंग कराई है तो इसलिए मेरे बाल बहुत चार्ज हो रहे हैं, बहुत वियर्ड सी लग रही हूँ मैं. बट यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू. सो लेट्स पैक लगता है ना. और अभी ये जो मैस है यहाँ पे पहले इनको रखते हैं. ये रेड वाला कोट आपका रखना है इसको. हाँ हाँ ये तो रखना है. और मुझे साड़ी का समझ नहीं आ रहा है कि मैं रखूँ या नहीं रखूँ. अब एक kg की तो मेरी ये साड़ी ही है, ये वाली जो नीचे अभी मम्मी नहीं लेके आई है ना वो वाली दो साड़ी रख लेता है. और ये जो भी रखना है पूरा ये तो रहने देते हैं रखना क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 to 6 kgs और है जो रख सकते हैं हम. मुझे वही समझ नहीं आ रहा, अभी मेरा जिम का पूरा आने वाला है, जिम वेयर, मेकअप, जीन्स, मेकअप, ज्वेलरी, टॉप तो रखी ही नहीं अभी, फुटवेयर राइट भूल ही गए हम, जो एक ही 1 kg का होगा. बूट्स राइट ये रखे हैं निकले ना. मैं क्या सोच रही हूँ ये जो कपड़े वाले बैग्स होते हैं ना इनका वेट थोड़ा कम होता है, एक बार इसमें रखे क्या एक सामान, क्या बोलते हो? पहले इसका वेट करके देखो, अंदर से ऐसा क्यों दिख रहा ब्लैक. इसकी पॉलिश ऐसी होगी शायद, ये तो वारंटी में आते हैं पेंडोरा के, है ना? ये तो वो भी जाते हैं. हाँ थोड़ा डार्क हो गया ना ऐसा लग रहा है. देखो यहाँ तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. वो ब्लैक दिखा इस वजह से मेरे को लगा कि सिल्वर का तो नहीं है. इसमें होगा ना वारंटी कार्ड, देखना एक बार. नहीं है, देखना पड़ेगा फिर पीछे उसका जो कैरी बैग था ना उसमें रहते हैं इसके वारंटी कार्ड, तो रिटर्न हो जाता मतलब चेंज हो जाता है फिर. इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे रखना पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगा. इसमें एक ही में हमने हमारे थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी है. ज्वेलरी के बॉक्स इतने बड़े हैं समझ नहीं आ रहा क्या रखो क्या ना रखो. ये तो ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट, पैक करके अब इसका वेट लेना है. इधर से
मुझे देखना। 73। हाँ तो मेरा वेट है, कैमरे पर नहीं बताऊँ मैं तो कितना हो रहा है। हो गया क्या 1 kg ज़्यादा हो गया? 16 हो गया मतलब। ये अब 1 kg का क्या निकाला इसमें? वही जो रखा है अभी, शावर जेल निकालना पड़ेगा फिर से गाइस। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेट कर करके पैक करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब वापस खोलना पड़ेगा फॉर द 5th टाइम। हम लोग इसको वापस खोलेंगे, फिर इसमें से कुछ सामान निकालेंगे, फिर पैक करेंगे और फिर अगेन वेट चेक करेंगे। हाँ साथ जो पैकेट्स रखे थे ना, एक नीचे वाली रो चिकन वाली की थी पूरी। खा ली आपने तो पूरी? क्या मैंने झूठ मत बोले? चिकन वाली मैगी खा ली आपने? चुप जा। सच में? हाँ। आया मेरे मुंह में अभी? हाँ ठीक है, तेरे को टेस्ट पता है? कड़क कड़क क्या होगा? और कोई नहीं है पागल। अरे नींदा नींदा। अरे मजाक कर रही हूँ, नीचे वाली रोके थे पाइप। नीचे वाली रोके थे चिकन, ये नहीं थी रे, पागल होके देख ही लाई थी मैं। मजाक यार, आपसे मजाक भी नहीं कर सकते। मजाक मत कर, ऐसा मजाक मत किया करो यार। ओवर एक्टिंग ऐसा मजाक पसंद नहीं है। कितनी ओवर एक्टिंग नहीं है ये। अबे ना मैगी का पूरा मजा ही खराब कर दिया। और किसको? वाह। घर में अभी सारा मेरा फेवरेट खाना बन रहा है गाइस। ये मेरी बुआ ने बना के भेजा है सारा, क्योंकि उन्हें सबको पता है मैं जाने वाली हूँ। और अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनके घर चले जाऊँ, तो भाभी सारा मेरा फेवरेट बना के लाई है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा है गाइस, लेट मी एंजॉय द फूड। बाय बाय। What day it is? But packing is still on. मेरा कुछ भी सामान पैक नहीं हुआ है। एक तो इतना कम वेट अलाउड है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं रखूँ क्या, निकालूँ क्या। मैं बार बार रखती हूँ फिर बार बार कुछ निकालती हूँ। अभी ये मैंने अपनी अलमारी में से वापस निकाली है चीज़ें रखने के लिए। बार बार वेट करो, रखो, फिर निकालो, फिर वेट करो, यही हो रहा है। और ये मेरे रूम की हालत 4 दिन पहले से हो रही है। आधे कपड़े यहाँ भी रखे हुए। I don't know what to do. तो बहुत परेशान हो गई हो यार मैं। थोड़ा सा मुझे इसकी शादी कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जा रही हूँ काम, निकल गया ना साले। I love you परिधि। I miss you too. के ध्यान रखना देखो। एवरीवन, इट्स आई थिंक डे 5 ऑफ पैकिंग एंड पैकिंग इज नॉट कम्प्लीटेड येट। हमें निकलना है 22nd को, आज है 19 और मेरी पैकिंग नहीं हुई है अभी तक। एज आई सेड अर्लियर, लगेज इतना कम अलाउड है और सामान इतना ज़्यादा। सो एक बैग मेरा बचा हुआ है 7 kg का, उसी को मुझे अभी फिल करना है। तो उसी का मैंने, उसमें सिर्फ मुझे अपने जीन्स शॉर्ट्स और नाइट सूट्स रखने हैं। तो मैं बहुत लिमिटेड जीन्स लेके जा रही हूँ अपने साथ। और मैं अभी जो मैंने जीन्स कलेक्ट करी है उसका वेट आपको बताती हूँ। सो ये कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेयर ऑफ जीन्स हैं, जिसमें 2 शॉर्ट्स हैं, एक टॉप भी रखा हुआ है मैंने। और 2 जीन्स और रखनी है अभी। और इसका वेट अगर हम अभी देखेंगे, देखिए साइड से है, कहाँ गया यार। हम इसका वेट चेक करते हैं। ये वेट मशीन भी मेरे मज़े ले रही है। ये मशीन गाइस मेरे पेशेंस टेस्ट कर रही है। लेट्स कीप वंस अगेन नाउ। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये ही बचा था। अब
वैसे ही बिल्कुल मन नहीं हो पाता है पैकिंग करने का, मुझे इतना आलस आता है पैकिंग करने में, इतना आलस आता है मैं बता नहीं सकती। और जैसे तैसे मैं अपना मूड बनाती हूँ पैकिंग करने के लिए और ये हो जाता है। अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं अकेले कभी पैकिंग कर ही नहीं सकती मुझे लग रहा है, मुझे भाभी का ही वेट करना पड़ेगा। अभी मैं सोच रही थी मैं खुद कर लेती हूँ, वो आदू के साथ बिजी हैं तो, बट आई थिंक मुझे भाभी का ही वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ी ब्लैंक हो जाती हूँ जब भी पैकिंग की बात आती है। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, मैं बहुत कम ट्रैवलिंग करती थी हमेशा से, हम लोग इंदौर के बाहर हार्डली गए, मैं काउंट कर सकती हूँ अपने फिंगर्स पे। इंदौर वालों को इंदौर में ही अच्छा लगता है आई थिंक। तो मैं बहुत कम बाहर गई हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं पैकिंग कैसे करूँ, मुझे नो वर्ड्स गाइस, नो वर्ड्स, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं कह सकती हूँ मैंने अपने हेयर भी स्ट्रेट करवाए, 2 दिन पहले मैंने स्मूदनिंग करवाई है अपने हेयर पे, तो उसके लिए मुझे अलग शैम्पू कंडीशनर लेके जाना है और वो वहाँ मिलता भी नहीं है, तो मुझे बड़े बड़े बॉटल्स उसके लिए, पर रखूँ कहाँ, रखना इतना सामान है पर रखूँ कहाँ। ये सोच सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है कि मैं वहाँ कैसे सर्वाइव करूँगी अगर मेरा सामान नहीं हुआ तो, स्पेशली मेरे कपड़े का इस, मुझे जो बहुत प्यार है अपने कपड़ों से, वो मुझे सब यहीं छोड़ के जाने पड़ रहा है। लुक वी गॉट, एक वी व्हाट वी हैव मैग्डी फॉर टुडे। ओ नो नो नो, ये क्या लाया पादू? कॉफी नहीं, सॉरी हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट, थैंक यू। एंड दिस इज बर्गर्स। वाओ, थैंक यू, से थैंक यू। ओ लास्ट फ्यू डेज ऑफ ईटिंग इंडिया का मैकडिया और आलू टिक्की, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलते आलू टिक्की, वहाँ पे अलग टाइप के बर्गर्स मिलते। सो लो अम्मा कहाँ से, अब लास्ट 2 दिन हम लोग ये यहाँ का जितना भी फूड है वो एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छी है। राइट, काट लिया, आप लोग काट लिया। ओ कैसा लगा आदू? ओ अच्छा लगा, लास्ट सेट ऑफ पैकिंग, ये लास्ट सूटकेस है जो मुझे पैक करना है, मुझे निकलना है परसों। आज है 21st, मुझे 23 को यहाँ से निकलना है और अभी बज रहे हैं रात की 12, और मैं जो मेरा लास्ट सूटकेस है वो अभी पैक कर रही हूँ जिसमें सिर्फ 7 kg वेट मुझे रखना है। सो लेट्स डू दैट। इसमें मैं बहुत छोटा मोटा जो सामान है वो रख रही हूँ, जैसे नाइट सूट्स, कुछ कुर्ते मुझे जो रखने थे, कुछ टॉप्स रखे हैं, सो बहुत बेसिक जो सामान होता है वो मैंने इसमें रखा है। नाउ लेट्स सी सारा सामान आता है या नहीं। कुछ जीन्स हैं जो हमें रखनी है और हम कट शॉर्ट भी करते जा रहे हैं साथ साथ। एक जीन्स मैंने ऑलरेडी निकाल दी है, भाभी नहीं चाहती कि उन्हें हम ब्लॉग में ले अभी क्योंकि उनके बेटे ने उनकी हालत बहुत ख़राब कर रखी है। सो बैग टू बैग इसमें मुझे लग नहीं रहा सारा सामान आएगा, भाभी बहुत छोटा ही बैग है। अमाउंट ऑफ नाइट सूट्स आई हैव, तो मुझे यही लग रहा है मेरे तो नाइट सूट्स भी नहीं आने वाले हैं सारे। इतना सामान खरीदा हुआ था, इतना सामान खरीदा हुआ था, कुछ नहीं जा रहा है। नाउ आई रिग्रेट दैट चॉइसेस, जो मैंने अपने पैसे बर्बाद किए हैं सामान खरीद खरीद के, अब मुझे डबल पैसे लगाने पड़ेंगे सामान को भेजने के लिए। क्या कर सकता लगेज ओवरवेट जा रहे थे तो हमने सामान निकाल दिया, एज यू कैन सी सामान निकालना पड़ेगा। थैंक्स गाइस, इसमें नहीं आ रहा है सामान तो अब ये नया बैग बुलवाया है, हम इसमें सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड आदू इज़ प्लेइंग विद माय थिंग्स। नो नो,
तो सबसे पहले हम रखेंगे कॉम्पैक्ट, सारा मेकअप जो है मेरा इस चीज में आ जाएगा इजीली, ये सारा जाएगा यहाँ। मेरा विक्टर और का छोटा परफ्यूम, सैनिटाइजर और गॉगल, सैनिटाइजर वेट वाइप्स, बम्स। हाँ जी, क्या दे रहे हो? ओके दे दो। ओहो, किसे दे दी श्री माता जी को? वेरी गुड, जय जयकार, थैंक यू। मेरी श्री माता जी Always with me. First, just in case. Mask also to sleep peacefully.